हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और स्वागत है आप एक और नया व्लॉग्स में। तो अभी मैं आया हुआ हूँ बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम दुमका। तो सार्जम बेटा की तरफ से फुटबॉल चैम्पियनशिप होने वाला है। तो दुमका का यह खूबसूरत आउटडोर स्टेडियम जिसमें मैदान को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। तो चैम्पियनशिप स्टार्ट होने में भी केवल दो दिन बाकी है। तो इसलिए काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। इस तरीके से नीला पट्टी लगाया गया है, बाउंड्री बनाया गया है। जो अभी ये सब खाली खाली दिख रहा है ना, मैच के टाइम तो बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ पर हल्का फुल्का ईंटा से गड्ढा किया गया, फिर उसके ऊपर में पानी डाला गया और उसके बाद चूना रखा गया जिससे कि चूना हवा के चलते उड़ ना जाए। तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया गया है यहाँ पर। इस तरीके से लाइन लगाया गया कि ईंट घिस चुका है पूरी तरह से, अपना शेप को खो चुका है। अभी दर्शक को एक सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग अगर बैठ करके देखना चाहते हैं तो पहले आने की कोशिश करेंगे और स्टेज के राइट साइड में जो दो बैठने के लिए जगह दिया गया है वहीं पर आप बैठ लीजिए आराम से। टाइम या दोपहर का टाइम वहाँ पर छाया भी रहता है आराम से और मैच देखने के लिए एक अच्छा खासा एंगल भी मिलता है। तो वहीं पर जा करके हम भी बैठने के लिए कोशिश करेंगे। तो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है तो स्टेज भी बड़ा बनाना है और इसके लिए लगभग 110 प्लस फीट है लंबाई हमको ऐसे लग रहा है। इस तरीके से स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। तो अभी दो दिन बाकी है तो तब तक मैं तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैच 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है टूर्नामेंट और उसके लिए टिकट करना पड़ेगा ना। तो पिछले बार तो टिकट का दाम 10 रुपया, हाँ एंट्री फी टिकट का दाम 10 रुपया था, अब सुनने में आया है कि उसका दाम 20 रुपया है, यानी कि आपको 20 रुपया में एक दिन का पूरा एंट्री मिल जाएगा। तो वेल गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग्स के साथ सीधे 9 तारीख, और तब तक के लिए बाय बाय।